हम एक नंबर सीरीज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एक ट्रिकी तरीके से। हमें से पूछा गया है कि अगर कोई नंबर सीरीज 2520, 360, इसी तरह 60 एंड 12, तो इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन ए में हमसे पूछा गया है 3, बी में पूछा गया है 4 और सी में पूछा गया है 6, इसी तरह डी में पूछा गया है 13। तो अब अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें तो हम 2520 यानी 2520 और 360 के बीच में हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम अगर 2520 को हम अगर 7 पे डिवाइड करें तो इससे हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 360। इसी तरह इस 360 को अगर हम डिवाइड करें 6 के ऊपर तो हमारे पास 60 आ जाएगा, जो कि यही नंबर है। इसी तरह इस 60 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इस 12 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी हमारे पास राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, इधर हमारे पास 3 आएगा, क्योंकि हमने पहले नंबर को 7 पे डिवाइड किया, फिर 6 पे, तो 5 पे। अगर हम अगला डिवाइड करेंगे तो हम उसको 3 पे डिवाइड करेंगे, जो कि 1 आएगा। तो ये हमारा एमसीक्यू सॉल्व हो गया। इसमें सिंपल ट्रिक है, डिवाइडिंग का हम अप्लाई करेंगे, किसी सीरीज़ में हम इसको डिवाइड करते हैं।